श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस सनातन धर्म में और जिस वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय ब्रह्म का इतना अस्पष्ट उद्घोष है और अपनी आध्यात्मिक विरासत, अपनी धार्मिक इतिहास के लिए जो सनातन धर्म विश्वविख्यात है, उसके अंदर इतना गहन पतन हो गया तथा कथित हिंदुओं सनातन धर्मियों के अंदर कि उसके जो मूल मानबिंदु हैं, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उन पर भी सनातन धर्मी ऐसे प्रश्न करते हैं जैसे कि, तो वैसे प्रश्न और संशय तो कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध या कोई ईसाई नहीं करता है। ये हजार वर्षों की जो गुलामी है सनातन धर्मियों को, एक गहरे रूप में उनके जैसे लगता है कि रक्त की बूंद बूंद में प्रविष्ट हो गई है और संशय और हीनता का भाव इतना गहरा प्रविष्ट हो गया है कि वह मानने को तैयार ही नहीं है उसकी जो सर्वोत्कृष्ट और जो सार्वभौम शाश्वत जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, जो उनके अन्वेषण हैं। अब चूंकि हम जून महीने में जो तत्काल आत्म साक्षात्कार शिविर कर रहे हैं, तो अनंत लोगों ने ऐसा प्रश्न लिखा है, क्या आत्म साक्षात्कार तत्काल हो सकता है, तुरंत हो सकता है? तुम ठग रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, खुद आत्म साक्षात्कार की दुकानदारी तुमने खोल रखी है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरह तुम अब तत्काल आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान करा दोगे? और भाषा ऐसी जो कोई आतंकवादी संगठन न पूछे, ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं और ऐसी भाषा, और फोन पर भी जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो प्रश्न मेरे अंदर उठता है कि सनातन धर्म को सबसे बड़ा संकट खतरा किससे है, सनातन धर्मियों से या कि विधर्मियों से? तो इसके संदर्भ में छोटा सा आपके समक्ष एक वक्तव्य रखने जा रहा हूं कि क्या वास्तव में तुरंत तत्काल ब्रह्म का दर्शन संभव है? जी हां, जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो नित्य प्राप्त वस्तु है। ब्रह्मांड के कण कण में, सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, उनकी आत्मा के रूप में, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, जीव जंतु मनुष्य की तो बात ही छोड़, सबके अंदर जो चेतन तत्व है, वह चैतन्य तत्व ही एक अद्वितीय दृष्टा स्वरूप ब्रह्म है। उसमें द्वैत नहीं है। दैट सुप्रीम रियलिटी ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज द एसेंस सबस्ट्रेटम द ग्राउंड एंड फाउंडेशन ऑफ एवरी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग। और अगर वह ब्रह्म निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वह सभी जीवों की आत्मा के रूप में विद्यमान है, उपस्थित है हृदयाकाश में चैतन्य सत्ता के रूप में, तो फिर उसकी उसका ज्ञान, उसका बोध होने में समस्या क्या है? वास्तव में अद्वैत वेदांत का उद्घोष यह है, और विशेष रूप से आप जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग के ग्रंथों का अध्ययन करें, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, तो आपको पता चलेगा। और उपनिषदों का अध्ययन तो किया नहीं, न भगवद गीता का अध्ययन किया, लेकिन जो विधर्मी प्रश्न करते हैं हजारों वर्ष सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं, उससे भी गंदे गंदे तो प्रश्न कर देते हो और सोच रहे हो कि बड़े तुम धर्म रक्षक हो। तो तुमको ये बता रहा हूं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, श्रीमद भगवद गीता, जो प्रस्थान त्रय कहे जाते हैं, जो वेदांत है, वेद का जो दैट सुप्रीम अल्टीमेट कंक्लूसिव पार्ट ऑफ इंटायर वेदास, उसका उद्घोष है।
उसका उद्घोष है कि वह जो एक अद्वितीय जो ब्रह्म है, जो परम तत्व है, जो परम सत्व है, वो सदा सर्वदा सभी रूपों में सर्व प्रकारेण उसके सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा जीव ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, विवेक चूड़ामणि कहते हैं शंकराचार्य। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव जगलम सकच्च, ये ब्रह्म, ये जीव और जगत सब कुछ ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। और नित्य तुम जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी कर्म घट, ये सब उस परब्रह्म परमात्मा में घट रहा है। वास्तव में आत्यंतिक अर्थों में परमात्मा के सिवा न कुछ दिख रहा है, न कोई देख रहा है, न कोई नाम है, न रूप है। परंतु तुम्हें, तुम्हारी तमोगुणी वृत्ति इतनी प्रगाढ़ है, तुम्हारा अहंकार इतना गहरा है कि वह ये मानने को, तुम्हारी जो आत्मग्लानी इतनी गहरे अर्थ में तुम्हारे नस नस में, तुम्हारे रगों में दौड़ रही है हजारों वर्षों की गुलामी में कि मैं निकृष्ट हूं। तुम्हें बोला गया कि तुम निकृष्ट हो और तुम निकृष्ट मान करके तुम मान ही नहीं सकते हो कि ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात दर्शन तत्काल हो सकता है। अरे ब्रह्म का, परमात्मा का, उस अद्वितीय चैतन्य सत्ता का तत्काल ही दर्शन होता है, अगले क्षण नहीं हो सकता है। जो नित्य प्राप्त है और जो तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, जिसे अनुपलब्ध करने कराने का कोई उपाय नहीं है, उसमें बाधा क्या है? ये बताओ, बाधा क्या है? क्यों नहीं तत्काल उसका बोध हो सकता है? परमात्मा का जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसका तो सदा ही सदा ही सदा ही तुरंत ही तत्काल ही बोध होता है, अगले क्षण नहीं, अगले दिन नहीं, और यही होता है, किसी अन्य स्थान पर नहीं। और जो कुछ है अपने अंदर, तुम्हारे अंदर ही होता है, किसी अन्य के अंदर नहीं। वह जो ब्रह्म या परमात्मा जो सर्वव्यापी सर्वनियंता है, अगर किसी अन्य के रूप में तुम्हें मिल भी जाए, दिख भी जाए, उसका दर्शन हो भी जाए, तो तुम्हारे जीवन में क्या घटेगा? ये बताओ, प्रश्न चिंतन करना, ये वेदांत दर्शन का मौलिक सूत्र है। अगर वह परमात्मा मिल भी जाए, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञाता है, जो सच्चित आनंद स्वरूप भी हो, परंतु वो तुम नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हें प्राप्य नहीं है, तो तुम्हें इस देश में और विश्व भर में अनंत खरबपति, अरबपति, नोबेल लॉरियट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो सब हैं, सबको तुम जानते ही हो। तुम्हारे जीवन में कोई अंतर आया है? दरिद्रता का जीवन जी रहे हो? इसकी गहराई में इस दर्शन को समझो। कोई भी वस्तु, परमात्मा भी अगर तुमसे परे है, किसी अन्य काल में मिलेगा, किसी अन्य क्षण में उसका दर्शन होगा, और चाहे वो कितना भी वैभवशाली क्यों न हो, वो सच्चिदानंद स्वरूप ही क्यों न हो, तुम्हारे लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं है, वो मान्यता। जिस प्रकार से कोई नृत्यांगना या कलाकार तुम्हें मनोरंजन क्षण भर का करता है, शायद वही कर पाए, कुछ भीख दे पाए, तुम्हें दया कर दे तुम्हारे ऊपर। लेकिन जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसके बोध के बिना तुम्हारे दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है, वह तो अभी यही सदा सर्वदा सर्वरूपेण ही दिखता है। और उसे तकनीकी भाषा उसके लिए कहते हैं अपरोक्षानुभूति, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन, द वर्ड माइंड द वर्ड्स, डायरेक्ट इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन। जो तुम्हारा अंतरंग है, जो तुम्हारा अंतरंतम है, जो तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र है, वो अगले क्षण में दिखेगा, अगले दिन दिखेगा, अगले घटने दिखेगा, साधना के बाद दिखेगा। अरे मूर्ख, वेद का उद्घोष है, वह सर्वत्र है, सर्वरूपेण है, बस बाधा इतनी है। तो तुम ये सोच करते हो, जब बोलता हूं कि तत्काल उसका बोध होगा, तुरंत बोध होगा, अभी बोध होगा, तो सोच ये रहते हो कि अच्छा, जिस प्रकार से समोसे को तत्काल जाकर के टोकन लूंगा, या किसी थाली गया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, बहुत सुंदर थाली,
तत्काल सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, तो इसी तरह ब्रह्म को कुछ मंत्र से मुझे दिला दोगे। ये तुम्हारे पतन की, तुम्हारी मूर्खता की, अधो पतन की गर्त से निकला तुम्हारा संशय, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ तत्काल ब्रह्म दर्शन, तत्काल आत्मबोध का तात्पर्य यह है कि वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह सदा ही तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में उपलब्ध था, है और नित्य प्राप्त है। वह कभी अप्राप्त था ही नहीं, बस अज्ञान हो गया है। अज्ञान तुम्हें यह हो गया कि अच्छा भगवान किसी वैकुंठ लोक में, देवलोक में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी गुरु, अरे उन सबों की उपयोगिता है सीमित रूप में, उनका व्यावहारिक उपयोग अवश्य है, लेकिन वह परमात्मा किसी देशकाल वस्तु परिच्छिन्न सत्य नहीं है। वो तो तुम्हारा जगत देशकाल वस्तु परिच्छिन्न है, वह देशकाल वस्तु अपरिच्छिन्न है और तुम्हारी आत्मा के रूप में अर्थात तुम्हारे सत्य के रूप में नित्य प्राप्त है। अब उसको देखो, यहीं पर बताता हूं तुम्हें, यहां पर देखो इस क्षण कैसे उस परमात्मा का तुम दर्शन करोगे। अभी यहां पर ऋषिकेश हरिद्वार में जहां पर अभी मेरा प्रवास चलता है, तो जहां पर होना है यह शिविर भी, तो ये जो आप देख रहे हो ये सुंदर वाटिका है, पुष्प वाटिका है, तो पुष्प देख रहे हो या वृक्ष देख रहे हो आप, ये घटना अभी इस घटना में देखो दिखा रहा हूं कि ब्रह्म कहां है। ब्रह्म तो दिख प्रतिपल रहा है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपनी अज्ञानता को वेदों पर थोपते हो, ऋषियों पर थोपते हो और उसका सैद्धांतिकरण करते हो तुम कि वो तो दिख नहीं सकता है, वो दिख रहा है, नग्न दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना, तुम्हारी क्षुद्रता इतनी हावी है तुम्हारे ऊपर कि धर्म के नाम पर तो राजनीति करके जय श्री राम एक तरफ बोलोगे और वो सोचोगे तो अच्छा मैं तो धर्म का धुरंधर हूं, मैं धर्म की रक्षा कर लूंगा, लेकिन उसके जो गहरे मान बिंदु हैं उनको तो उनकी जड़ें खोदने में लगे हुए हो। तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन क्या है, क्यों तत्काल ही होता है, किस रूप में, क्या अभी ब्रह्म दर्शन हो रहा है, अभी हो रहा है। देखो देखो इसको, ये वृक्ष दिख रहे हैं, ये आश्रम के कमरे दिख रहे हैं या ये पुष्प दिख रहे हैं। अब मैं यहां पर देखो मुझे कैसे दिख रहा है ब्रह्म, और ये समस्त वेद बोल रहा हूं, चुनौती है जाकर के वेदों का अध्ययन करना, विशेष रूप से वेदांत दर्शन का, ब्रह्म सूत्र का, उपनिषद का, भगवद गीता का। और अभी बताता हूं मैं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निश्चित कुछ श्लोक रखूंगा। राधे राधे तो करते रहते हो, सुबह में दुकानदारी करते हो, लेकिन कृष्ण भगवद गीता में क्या है तुम्हारी कोई अभिरुचि नहीं है जानने में, क्योंकि दुकानदारी तो चलेगी नहीं तुम्हारी। तो यहां पर किस रूप में दिख रहा है ब्रह्म, अब कृष्ण की पंक्ति लेते हैं, उसके आधार पर तुमको दिखाएंगे कि अभी यहां पर ब्रह्म का साक्षात दर्शन क्यों नहीं हो रहा है और किस रूप में ब्रह्म यहां पर है और कैसे हो जाएगा। तो 13वें अध्याय में कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण, क्षेत्र दूसरा ही श्लोक है ये, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। अब 99% तो सनातनी ऐसे हैं, अपने को संस्कृत का आचार्य की भी डिग्री ले रखी है, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्र के शब्द का अर्थ तक नहीं जानते हैं, बस रट लिया उस शब्द को। क्षेत्र का तात्पर्य है देह, ब्रह्मांड में चाहे जड़ चेतन जितने भी हैं, देह हैं, सब पंचभूतों से बने, वो सब देह हैं, शरीर हैं। तो सभी शरीरों के अंदर जो शरीरी है, देह के अंदर देही, अर्थात सभी शरीरों के अंदर जो आत्मा, जो चेतन सत्ता है, जो दृष्टा है, जो एक अद्वितीय दृष्टा है, वो और कोई नहीं है। हे अर्जुन, वह मैं ही हूं, ये योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। सभी प्राणियों, ऐसा नहीं कह रहे कि उन्हें क्रिश्चियन की आत्मा तो नहीं, मुस्लिम की आत्मा तो नहीं, पशु की तो आत्मा तो नहीं, निकृष्ट की आत्मा तो नहीं, केवल महात्माओं की आत्मा या ब्राह्मणों की आत्मा के रूप नहीं। वह बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत विदाउट एनी एक्सेप्शन। ब्रह्मांड में जहां कहीं भी क्षेत्र है, शरीर कोई है, उस शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ अर्थात द नोवर, द नोइंग प्रिंसिपल, द परसीवर, द एक्सपीरियंसर, आम भाषा में जानने वाला जो सभी जीवों के अंदर बैठा है। इस वक्त देखो, तुम ये देख रहे हो, वीडियो देखोगे तो तुम ये पुष्प वाटिका देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, या मेरे शब्दों का जो बोध हो रहा है, वहां जो बोधा बैठा है तुम्हारे हृदय आकाश में, वह आत्मचेतन है, वही ब्रह्मचेतन है। और इस वक्त अभी उपनिषद का उद्घोष, केन उपनिषद,
प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वाय विन्दते। प्रतिबोध, अभी प्रत्येक बोध में या अभी देखो दिख रहा उपपत्ता दिख रहा है, ये पकड़ी का पेड़ दिख रहा है, इस बोध में देखो यहां पर ब्रह्म कहां उपस्थित है। यहां पर जो दृश्य के रूप में वहां पकड़ी का पेड़ है या ये पुष्प वाटिका है, ये डहलिया का फूल है सुंदर, ये पेंजी का है, वो गेंदा है, ये दिख रहा है ना, देखो गेंदे का फूल देखो, अब यहां पर देखो ब्रह्म दर्शन कैसे, ये गेंदे का फूल प्रतिबोध। इन एवरी परसेप्शन, इन एवरी एक्सपीरियंस द ब्रह्मन इज प्रेजेंट एज परसीवर। अब यहां पर देखो, इस वक्त मैं देख रहा हूं गेंदे का फूल, इसमें कोई संदेह है कि मैं नहीं देख रहा हूं? अगर दृश्य के रूप में गेंदे का फूल दिख रहा है, डहालिया दिख रहा है, ये वृक्ष दिख रहा है, पकड़ी का पेड़, ये आश्रम के कमरे दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं ना, इस देखने की जो क्रिया घट रही है, प्रत्येक देखो एवरी नैनो सेकेंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इज अकरिंग विद इन यू, उन सबके अंदर वह ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, नग्न अभिव्यक्त हो रहा है जो देखने वाले के रूप में। तो ये शरीर हो गया, ये पुष्प, ये डहालिया का शरीर हो गया, वो वृक्ष हो गया, वो पकड़ी का पेड़ हो गया, वो बोटल पाम हो गया, ये सबके सब ये जो दिख रहे हैं, ये शरीर हैं, ये दिख रहे हैं। और मैं यहां पर अभी मान रहा हूं एक शरीर के रूप में देखने वाला जो जीव हूं, मनुष्य हूं, तो ये जो मैं देख रहा हूं, कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं, तो मेरी आंखें उपकरण के रूप में देख रही इस दृश्य को, मेरे मन बुद्धि, अब ये देखो पक्षी उड़ गए, ये जो उड़े, इस वक्त जो घटना घटी, इनके अंदर जो चेतन, जो चैतन्य था, वही चैतन्य जो आत्मा, जो कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों में वह चेतन सत्ता न होती तो इनके उड़ने की कोई संभावना नहीं, इनमें कोई क्रिया न होती, न अस्तित्व में होती। और ये अलग घटना घटी, देखो अभी वहां पर जाकर बैठ गए हैं, अब इस बोध में, उस बोध में पूर्ण ब्रह्म, जब उस पुष्प को देख रहा हूं तो इस वक्त भी एक ब्रह्म, वही मैं दृष्टा के रूप में, दृष्टा एक है, दृश्य बदल रहा है। और वहां पर अब अगर दृष्टा है नहीं, आंख और सारी पांचों इंद्रियां, इन सबसे देखने का काम अर्थात जानने का काम होता है, और बुद्धि और मन निर्णय करते हैं, परंतु मन और बुद्धि का भी जो प्रकाशक है वह कौन है? वही चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही साक्षात परोक्ष ब्रह्म है। इसलिए समस्त दृश्यों के दृष्टा के रूप में अभी यही तत्काल तुम्हें बोध तो हो रहा है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारा जो तुम है, आत्यंतिक जो तुम्हारा तुम है, जो मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। और यह जान लेना, इसीलिए विद्या हजारों करोड़ों वर्षों तक मूर्खों को दी नहीं जाती थी, मूर्खों को सात युग लग जाएंगे, उनके अंधकार अहंकार गधे की बुद्धि है, उस समझ में आती है नहीं, वो मान करके बैठे, मैं तो पशु हूं, पिशाच हूं, निकृष्ट हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, वह मानने को तैयार नहीं। तो इसलिए अब बता ये रहा हूं कि तुम्हें बोध क्यों नहीं होता है या क्यों नहीं हो सकता उसको, जिस मनुष्य, जिस जीव के अंदर जो उसकी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये नाम रूपात्मक जगत में तुम इतने लिप्त हो कि तुम्हें तुम्हारी वासनाओं के तांडव के सिवाय कुछ भी कोई अभिरुचि नहीं है, तो तुम्हें सात सात युग में न दिखेंगे। अब देखो एक जगह कह रहा हूं कि तत्काल आत्मबोध होगा, लेकिन जो तुम्हारी कामनाएं हैं, तुम्हारी वासनाएं हैं, तुम्हारे अहंकार के केंद्र पर तुम्हारा जीवन अगर संचालित है, तुम्हें सात युग में नहीं दिखेगा, ये वेदों का उद्घोष है। लेकिन तुमने युग युग से ये जीवन देखा, सब भोग भोगे, धन ऐश्वर्य वैभव सब भोग लिया, पद पैसा प्रतिष्ठा सम्मान सब देख लिया, परंतु अगर तुम्हें यह अनुभूति से पता चल गया कि जितने भी भोग, सुंदरी मिली, पत्नी मिली, पति मिला, सम्मान मिला, राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, राजा बना, धनवान बना, जो कुछ भी बना, ये तो क्षुद्र क्षणभंगुर शरीर की तो मृत्यु हो गई, और वह तो राजा गया, वह राज गया, वह ऐश्वर्य गया, वह सम्मान गया, वह नोबल लॉरिएट तो चला गया जिस शरीर को कहते थे। इसको देख करके तुम्हें उस परम तत्व को जानने की अगर कामना तुम्हारे अंदर प्रगाढ़ हो गई, मुमुक्षा अगर तीव्र हो गई, तो तत्क्षण घट सकता है। और मुमुक्षा तीव्र होने का तात्पर्य है कि अब सब जो क्षुद्र युगो युगों से जो यात्रा चल रही थी, क्षुद्र के भोग, जो छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम्, जब युग युग से तुमने सारे भोग ऐश्वर्य भोग लिए,
क्षण भर के लिए राजा बने नहीं कि मर गए, क्षण भर के लिए कोई प्रेसी प्रीतम आया नहीं कि गया, कोई सम्मान मिला कि नहीं फिर अपमान का कुछ कारण दूसरा बन गया। तो तुमने जान लिया कि सब कुछ इस सृष्टि में, चाहे राजा हो महाराजा हो, विद्वान हो संत हो महात्मा हो, क्षुद्र है क्षणभंगुर है। और क्षुद्र में क्षणभंगुर में जब ऋषि कहते हैं नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम्, ये जो इंद्रिय विषयों के जो भोग है, ये लौकिक भोग है, ये सब क्षुद्र है, वास्तव में असत है, क्योंकि ये नश्वर है, प्रतिपल ये बदल रहे हैं, तो इनमें तो सुख है नहीं। युग युग से तुमने सुख खोजा पत्नी में, पति में, संतान में, ऐश्वर्य में, वैभव में, तो उसकी जब तक तुम्हें सीमा का पता नहीं चलेगा तो वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो विवेक बुद्धि नहीं जगेगी, विवेक बुद्धि नहीं होगी तो तत्काल आत्म साक्षात्कार की संभावना नहीं है। लेकिन इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि युगों युगों से हजारों लाखों में कोई एक प्रयास करता है मुझे तत्व रूप से जानने के लिए, और हजारों लाखों प्रयास करने वालों में किसी एक को मुझे पता चल पाता है तत्वतः इन रियालिटी। सहस्राणाम मनुष्येषु, कहते हैं हजारों हजारों में से जो करते हैं प्रयास प्रयत्न करते हैं, उसमें किसी एक को ही तत्वतः, और वह तत्व बोध ही, वह तत्व से उस परब्रह्म परमात्मा का बोध ही तो तत्काल होता है। और तत्वतः क्या है, वह सचित आनंद स्वरूप है। पंचदशी का अध्ययन करो फिर पता चलेगा, उपनिषदों का अध्ययन करो फिर पता चलेगा। तुम किसी अन्य को अगर मानते हो, अगर त्रेता में राम आए चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम आए चले गए, दशरथ नंदन के रूप में, द्वापर में कृष्ण आए चले गए, और अनंत ऋषि मनीषी भगवान के अवतार हुए, उनकी महत्ता है, उनकी उपयोगिता है, और सब ठीक है। लेकिन जो आया या चला गया वो निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है, उसका अवतार हो सकता है, रूप हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बराबर है। पशु पक्षी भी, निशाचर पिशाच निष्कर्मी दुष्कर्मी भी, सब भी वास्तव में तो परमात्मा ही सत्ता की अभिव्यक्ति है। इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर जो प्रामाणिक वैराग्य न होगा और नित्यानित्य वस्तु विवेक न होगा, तब तक तत्काल की क्या, युगों युगों तक उसकी संभावना नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रामाणिकता के साथ में, और मैं किसी मित्र को कल बोल रहा था, अच्छे मुमुक्षु हैं, कि भाई देखो कलयुग इतना घोर आ गया है तो मैं तो 90% डिस्काउंट देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि क्या, हंसने लगे कि महाराज 90% डिस्काउंट मतलब? मैंने कहा कि जो योग्यता कही जाती है, क्वालिफिकेशन ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, मोक्ष की, उसमें मैं 90% डिस्काउंट देने को तैयार हूं। बोला कि स्पष्ट करो महाराज। मैंने बोला कि देखो जितना कहा गया है कि तुम्हारे अंदर संपूर्ण भाई भोगों के प्रति बिल्कुल वैराग्य हो गया है, छोड़ दिया सब कुछ, वन में चले गए हो और बस उस ब्रह्म चिंतन में लग गए हो, तब ब्रह्म का बोध होगा। मैंने कहा कि ये शायद नहीं भी हुआ तब भी शायद मैं तुम्हें करा दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा तो जगी हो, तुमको इस संसार की नश्वरता का तो बोध हो गया हो। अगर तुम दरिद्र हो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, तुम चपरासी तक बन नहीं पाए और आकर के प्रश्न करते हो कि ब्रह्म मुझे बना दोगे प्रभु, अनंत लोग मुझे आए हैं पिछले एक वर्ष में, अपने जीवन में कोई नौकरी नहीं मिली, स्टॉक ब्रोकर थे तो फेल कर गए, अब कर्ज में डूब गए हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के प्रवचन सुन करके उनको भ्रम हो जाता कि ब्रह्म प्राप्ति से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, तो आकर मुझसे पूछे महाराज जी आपने प्रवचन में बोला है कि सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा आत्मज्ञानी को, तो मुझे आत्मज्ञान करा दो ताकि मैं जो स्टॉक ब्रोकर था डूब गया मेरा पैसा करोड़ का, तो सब प्राप्त हो जाएगा ना, वो पैसा प्राप्त हो जाएगा ना, मेरा गौरव प्राप्त हो जाएगा ना। तुम्हारा पतन इतना गहरा हुआ है सनातन धर्मियों का, इस पर आत्मचिंतन करने को तैयार ही नहीं हो। अरे जय श्री राम बोलते हो, जिस अर्थ में बोलते हो, तुम सात जन्म में जितना नहीं बोलोगे उतना बोल करके आया हूं और अभी भी बोलता हूं, लेकिन तुम गहरे अपने जो मानदंड हैं उन पर चिंतन करने को तैयार नहीं। तुम्हारी परमात्मा को भी तुम्हारा अपनी वासना की तृप्ति का साधन ही बनाना चाहते हो, तो तुमने उसे साकार रूप में यह सम्मान रखा है कि कैसे ऐसे अवतरित होंगे, पुष्प विमान से अवतरित होंगे, अदर्शन होंगे, कोई मंत्र ऐसा जानते हो बाबा। अरे मूर्ख, जो आएगा वो जाएगा, वो भगवान भी हो, राम आए गए, कृष्ण आए गए, विष्णु आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कृष्ण कह रहे हैं क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षत्रेषु भारत, दूसरे श्लोकों में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
खर है कि सभी जीवों के अंदर वह परमात्मा, वह ईश्वर चेतन आत्मा के रूप में, अंतरतम अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। और हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरणागति जा। अब उसकी शरणागति, दिस इज नॉट इन सेकंड पर्सन नॉर इन थर्ड पर्सन, ये उत्तम पुरुष वो तुम है, तुम्हारे अंदर जो अहम है वह शुद्ध चैतन्य है, उसकी शरणागति जा। वही तो निर्विकल्प समाधि, वही तो सहज समाधि, वही तो ज्ञान समाधि, वही असंप्रज्ञात समाधि है जो मार्ग में, वह तुम हो, वह ब्रह्म कोई और नहीं है। कोई दूसरा ब्रह्म होगा तब तो समय अवश्य लग जाएगा, स्थान का भेद होगा, काल का भेद होगा, कहीं जाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि वह ब्रह्म कोई और नहीं, वह ब्रह्म तुम हो, जो निर्गुण निराकार वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो जिसकी प्राप्ति और जिसे ज्ञात हो जाने के पश्चात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वह कोई और नहीं, वह तुम हो, तुम हो, तुम हो, ये वेदों का उद्घोष है। लेकिन तुम जब कह रहे हैं तो तुम्हारे शरीर को नहीं कह रहे हैं, जो प्रतिपल, अब संक्षेप में ये बताता हूं कि क्या तुम्हारे अंदर जो है वो असत है और क्या सत है। तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है, तुम्हारा शरीर दिख रहा है, तुम्हारे इंद्रियां दिख रही हैं और नित्य परिवर्तनशील हैं इस सृष्टि, एक सिद्धांत लो, संक्षेप में समापन करूंगा। ये विवेक आज से प्रारंभ करो कि वह जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, मेरे बोध में, अनुभूति में आ रहा है, अनुभूति का विषय बन रहा है, तो सब कुछ परिवर्तनशील है। देखो अभी सुबह में मैंने सोचा था कि ये खिलखिलाएंगे पुष्प, अब इतनी धूप लगी है बदल रहे हैं, उनकी रौनक गई है, उनकी हरियाली चली गई है, चमक जा रही है, सूर्य भी जा रहा है, आ रहा है, रात्रि हो जाएगी। तो जो कुछ भी परिवर्तनशील है, बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो तो माया है, वो छाया है, पुरुष और पुरुष की छाया, ब्रह्म ब्रह्म की माया। लेकिन इन सभी आने जाने वालों, सृष्टि के सभी परिवर्तनशील पदार्थों, अनुभूतियों, अस्तित्वों में एक जो है वह नित्य उपलब्ध है। वो कौन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको ढूंढो, उसको जानो, और वह नित्य उपलब्ध है, यह भी उद्घोष कर रहे हैं। फिर समस्या क्या है, ध्यान से सुन, समस्त परिवर्तनशील ये जो जगत है, उनका जो बोध हो रहा है प्रतिपल इस नश्वर शरीर से ही, तो उस प्रत्येक बोध में भी, प्रत्येक अनुभूति में भी, प्रत्येक ज्ञान में भी कुछ वहां पर है, उस प्रत्येक बोध में जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह कहां है, वह कोई और नहीं है, वह तुम्हारे अंदर तुम हो, तुम्हारा तुम अर्थात मैं के रूप में, जब मैं चिल्लाता हूं कौन, तो तुम बोलते हो मैं, वह जो मैं है, और अज्ञान की अवस्था में लग रहा कि वो मैं किसी की संतान है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी का, किस देश का नागरिक है, लेकिन वह मैं वास्तव में शरीर तादात्म का जो अज्ञान है उसके कारण लगता है कि वह शरीर तक सीमित है। लेकिन जब जो एक हफ्ते का जो भी यहां पर कम से कम जो कराते हैं, लगता तो जुग जुग भी लग जाता है, लेकिन क्षण भर में तो तुम्हारा इतना धैर्य तक नहीं है कि तुम कम से कम एक हफ्ते आकर के जो इतनी विराट सत्ता है, इतना विराट जो गौरव है, जिस ब्रह्म को जान लेने के पश्चात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसके लिए कोई मार्ग नहीं है और अमरत्व का एकमात्र यही मार्ग है, तो एक हफ्ते आकर कम से कम तो श्रवण, विधिवत श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि में जाने का प्रयास तो करे, प्रयत्न कर तो करे, उस विद्या को जाने तो क्या है। तुम करोड़ों रुपए किसी ठुमका लगाने वाले पर, अभी मुंबई में कोई आई थी, नाम लेना आवश्यक नहीं है, कोई किसी बड़े धनाढ्य की बेटे की सगाई थी, 70 करोड़ रुपया उसके ठुमके लगाने के लिए दिए गए, और तुम भी वो अकेले नहीं है, तुम जो ये कथाएं होती है, कथाओं की उपयोगिता है, कथाओं में भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन तुम्हारी जो कथाएं आज हो रही हैं, धार्मिक कथाएं, वो विशुद्ध रूप से तुम्हारी वासनाओं के तांडव के सिवा कुछ नहीं, वहां पर करोड़ों रुपए तुम खर्च करते हो, न ब्रह्म का पता चलता है, न ईश्वर का पता चलता है, न तुम्हारी वासनाओं का ही तांडव वहां पर, तुम्हारा कथावाचक भी उस वासना का तांडव करने के लिए करता है, और उसका दोष क्यों, तुम्हें भी वहां पर तुम्हारी अपनी वासनाओं का तांडव ही चाहिए, वहां पर तुम करोड़ों खर्च करोगे, लेकिन कहीं आत्मबोध के लिए जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की विद्या होगी, तो तुम ये अपेक्षा रखते हो कहीं कोई गुरु हो, किसी को सारे धन किसी ने दे दिया हो, तुमने दिया है एक पैसे कभी किसी को, मैं मुझे दिया है किसी ने, तुम अपेक्षा ये रख रहे हो कि कहीं 5-स्टार आश्रम बना हो, जहां पर आपको
वहां पर वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हों और आपके पंच सितारा हॉस्पिटैलिटी और आपको एक पैसा कहीं खर्च ना करना पड़े। आप में से मैं सन्यासी बना हूं, किसी ने एक पैसा मुझे दिया है जिसके आधार पर मैंने आश्रम बना रखा हो और आपको यहां पर भोजन करने और ब्रह्म ज्ञान देने और आश्रम में बना करके सब कुछ रहने की व्यवस्था कर दिया हो। तुम्हारी क्षुद्रता का पता है, इसलिए हमने प्रबंध करके संन्यास लिया था। तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं है कि तुम पैसा दे दोगे किसी ब्रह्मज्ञानी को। इस देश में ब्रह्मज्ञानी रोटी रोटी के लिए मरते हैं। ब्रह्मज्ञानी को तुमने पहचाना नहीं, न रामकृष्ण परमहंस को तुमने पहचाना, न रमन महर्षि को पहचाना, ये अमेरिका वालों ने पहचाना। नहीं तो रामकृष्ण और विवेकानंद किस पक्षी का नाम है आज कोई नहीं जानता, रमन महर्षि किस पक्षी का नाम है, निसर्गदत्त महाराज किस पक्षी का नाम है तुम जानते नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी वासनाओं का तांडव चाहे कथा के माध्यम से करो या अनुष्ठान के माध्यम से करो, तुम्हारा तो स्वार्थ इंद्रिय भोग ही परमात्मा तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। इसलिए तुम इस देश में अब देख लो हजारों चैनल खुल चुके हैं धार्मिक चैनल, एक पर भी कहीं भगवद गीता का प्रवचन, ब्रह्म सूत्र पर, किसी उपनिषद पर भोले भटके तुम्हें सुना है? आज से 10-15 साल तक भी कहीं कहीं तो होते थे, आज सब समाप्त हो गया और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम वासना से इतने ग्रस्त हो गए हो, इतने अश्लीलता तुम्हारे मस्तिष्क में भर गई है कि सर्वत्र परमात्मा में, परमात्म ज्ञान में भी, ब्रह्म ज्ञान में भी अपनी वासनाओं की पूर्ति के सिवा कुछ अन्य खोज नहीं रहे हो। इसलिए तुम्हारी ये उम्मीद है जब ब्रह्म ज्ञान या आत्मबोध या तत्काल साक्षात अपरोक्ष अनुभूति की कोई बात करता है तो तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम गाली देते हो। मैंने पिछले 4-5 दिनों में जब एक एड डाला है तो जिस जिस प्रकार की गालियां दी गई है, जिस प्रकार के अपशब्द कहे गए हैं, और सबको ये मेरे लिए तो ज्ञान का विषय, जान रहा हूं कि तुम्हारा पतन कितना हुआ, कोई कर नहीं पाएगा। इसीलिए हजारों वर्षों से अब मुझे समझ में आ गया कि यह ब्रह्म ज्ञान की विद्या क्यों नहीं दी जाती थी, मूर्खों को दी नहीं जा सकती, उसको पता ही नहीं चलेगा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली पगुरा है। तुम्हें तो आकर के नाच गाना करेगा धर्म के नाम पर, जितना जुबिन मेहता के ऑर्केस्ट्रा पार्टी से भी बड़ा सब पार्टी जितना बड़ा करेगा, तुम्हारी पुर्जी जो निकालेगा उतना बड़ा तुम्हारा धर्माचार होगा और उतना बड़ा तुम्हारा वो ब्रह्मज्ञानी तुम्हें लगेगा। तो जिस दिन तुम्हें आत्मचिंतन, तुम्हारे अपने अंदर की जो कमजोरी पर चिंतन करने की क्षमता धैर्य आ जाएगा, वहीं से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। परमात्मा तो क्षण से भी क्षण में तत्काल दिख जाएगा, दिख जाता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्तें तो जानो कि किसको दिखता है, किसे दिखता है, किसे नहीं दिखता है, और तुम उसे देखने की कामना रखते हो, तुम्हारी कामना ही नहीं है। तुम तांडव धर्म के नाम पर भी तांडव, तुम कहलाना चाहते हो अहंकार की तृप्ति, ओ मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, मैं आत्मवेता हो गया और दुकान चलाऊंगा, तुम्हें नहीं दिखेगा फिर तो। वो इतनी क्षुद्र एटम बम मच्छर मारने के लिए नहीं बनाया जाता है, मारा जा सकता है, मच्छर मक्खी भी एटम बम चला देने से मर जाएंगे, AK-47 से मर जाएंगे, लेकिन AK-47 या एटम बम मच्छी मक्खी मच्छर मारने चूहे मारने के लिए नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या का जो धारण करने वाला जो सूत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वो क्षुद्र भी तुम्हें दे सकता है, मिल ही जाएगा उसकी सेवा से, परंतु अगर तुम्हारी उसी की इच्छा है तो इसीलिए तुम्हें कुछ भी मिलेगा नहीं। ब्रह्म विद्या इतनी विराट है कि तुम्हारे तुम्हें संतान दे दे, थोड़ा धन दे दे, तो क्षुद्र विद्याएं हैं इनका जो त्याग करके आता है, कणिका मात्र की तरह अपने लातों से रौंद करके जो आता है वो ब्रह्मज्ञानी होता है। तुम्हें तुम्हारी पत्नी दिला दे कोई, तुम्हारा पति सुंदर मिला दे कोई, तुम्हारे पति का पोस्टिंग करा दे, ये तो व्यापार चल ही रहा है इस देश में अनादिकाल से, इस पोस्ट के लिए 2 करोड़ की पोस्टिंग, उस पोस्ट के लिए 60 लाख की पोस्टिंग, ये सब चल रहा है। मैं बचपन से कोई सन्यासी नहीं रहा हूं, देश की राजधानी में पब्लिक लाइफ लीड किया है 40 साल, जिस ऊंचाई पर एक एवरेज आदमी के लिए संभव नहीं जो अनुभव करके आया है, जो शरण जो हुई है, तो तुम वही चाहते हो, तुम्हें भी बाबाओं गुरुओं से वही चाहिए कि कितने राजनेता आते हैं, कितने अभिनेता आते हैं, किस राजनीतिक दल का टिकट उस बाबा के मिलने, या बाबा कोई हमें भी दिलवा दे टिकट, तब तो तुम्हारे लिए बड़ा पूज्य हो जाएगा। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान मोक्ष में कोई अभिरुचि ही नहीं है, इसलिए सारे तुम्हारे प्रश्न निकल रहे हैं। लेकिन मैं ऊर्ध्वाहुद घोष कर रहा हूं, अगर तुम्हारी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो, तुम्हारी वासनाएं शमित हो गई हो, और मैं जब कह रहा हूं कि 90% डिस्काउंट
तो डिस्काउंट का तात्पर्य जो तुम्हारी जो अर्हता पात्रता अगर 100% न भी हो, लेकिन मुझे दिख जाए कि प्रमाणिक रूप से तुम्हारी इच्छा जग गई है, उस तत्व को जानने के लिए तुम बेताब हो गए हो, तुम्हारे अंदर अकुलाहट हो गई है कि भाई जाने उस परम तत्व को तो जाने, तो भी अगर पूर्ण भी न हो तो गुरु तो कृपा बरसाएगा, ब्रह्म की ही कृपा बरसेगी, वास्तव में ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हारा इतना प्रगाढ़ फुफकार रहा है तुम्हारा अहंकार की तुम्हारे युग युग में संभावना नहीं है। लेकिन अब ये सबको तो होता नहीं है, तो अंत में यही कहूंगा कि आप इस तरह के प्रश्न करने से पहले अपने अंदर चिंतन करें कि जो ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य क्या है। ब्रह्म ज्ञान उस विद्या को, उस घटना को कहते हैं जिसे जान लेने, जिसे प्राप्त हो जाने के पश्चात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। शब्द का अर्थ तक नहीं समझते हो। सृष्टि में कोई धन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं है जिसे प्राप्त होने से तुम्हें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। एकमात्र उपाय उसका क्या है, अर्थात सदा सदा के लिए तुम्हारे समस्त दुखों आशंकाओं की भय की निवृत्ति हो जाए और परमानंद सदा शाश्वत सनातन अमरत्व का ये महाविज्ञान है, और वह नान्य पंथा विद्यते अयनाय श्रोताश्रोतर उपनिषद, इसका कोई अन्य मार्ग नहीं है। तत्काल आत्म साक्षात्कार, साक्षात परोक्षानुभूति के सिवाय कुछ भी अन्य कोई मार्ग नहीं है। आत्मबोध जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो विज्ञान है वो यही है, और वह तत्काल ही दिखता है, और जिसको नहीं दिखेगा वो युग युग तक ना दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक नाम में, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक क्रिया में ब्रह्म अभी यही चेतन सत्ता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। बंद आंख से और खुली आंख से नग्न दर्शन कर रहा हूं, सुन रहे हो जो कह रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि तुमने अपने लिए, मेरे कोई आवश्यकता नहीं थी ये बोलने की, लेकिन तुम्हारा पतन इस सनातन संस्कृति पर, वेदांत दर्शन पर, तुमने वेद पर ही प्रहार कर दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मुझे नग्न, जितना नग्न तुम्हारे अपनी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे संतान, तुम्हारा समाज नहीं दिख रहा, उससे हजार गुना ज्यादा नग्नता के साथ वह परमात्मा दिख रहा है। और च्वाइसलेसली, एफर्टलेसली तुम्हें जो कुछ भी दिखता है, अनुभूति में आता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन ब्रह्म के दर्शन, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन या तत्काल आत्मानुभूति, इट्स च्वाइसलेस, इट्स एफर्टलेस, इट्स नेचुरल, इट डजंट रिक्वायर एनी मोमेंट, एनी टाइम, एनी एफर्ट्स, बिकॉज इट्स यू, इट्स योर इसेंस, इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, एवर शाइनिंग, सेल्फ एफल्जेंट, सेल्फ एग्जिस्टिंग रियालिटी विद इन यू, द आत्मन, बट इट नेवर can be attained as an object, nor to the deluded mind who are ever seeking sensual pleasures everywhere, every moment. नहीं, उसको नहीं मिलेगा प्रभु। तो आप चिंतन कीजिए, हमारे जो प्रवचन YouTube चैनल पर है उनमें जाकर कुछ देखें कि योग्यताएं क्या हैं, अर्हताएं क्या हैं, शर्तें क्या हैं, और आपके अंदर एक ही शब्द में कह रहा हूं, अगर मुमुक्षा आपकी प्रगाढ़ हो, प्रमाणिक हो, तो क्षण भर में वह आत्मज्ञान हो जाएगा। और मुमुक्षा है नहीं, चपरासी जीवन में बने नहीं, क्लर्क की और किसी छोटे क्षुद्र कोई इंजीनियर डॉक्टर तो जीवन में बन नहीं पाए, कोई सिविल सर्वेंट न बन पाए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो आपको चपरासी बनने की गारंटी नहीं है। बच्चों पर जो आप लाखों रुपए खर्च करते उसकी गारंटी है, लेकिन आत्म शिविर का कोई आपको जब दिखते हो कहीं तो बोलते हो, गारंटी से हमको कितने दिन में हो जाएगा, कितने घंटे में ब्रह्म साक्षात्कार। तुम्हें जब पता चलेगा अपने पतन का, कि ये जो पूछ रहे हो उसका गहरे अर्थ में क्या, इसका तात्पर्य क्या, तुम्हारी सड़न, तुम्हारे पतन, तुम्हारे अधो पतन का यह सूचक है। तुम चपरासी बनने के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर देते हो और बनते भी नहीं हो। इस देश में चपरासी की वैकेंसी, आज की तो बात छोड़ो, 15 साल पहले यूपी विधानसभा में जिस समय संन्यास लिया था उस साल की घटना, और प्रतिदिन हर जगह होते रहता है। 400 पोस्ट निकले थे किसी विधानसभा में चपरासी ग्रेड का, फोर्थ ग्रेड के अपॉइंटमेंट के लिए, और 40 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, एमबीए, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, लो चपरासी बनने के लिए। जिस देश में ऐसी त्रासदी हो और लाखों करोड़ रिश्वत भी दे देते हैं, देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तुम्हें कहीं पर कोई आश्रम किसी बाबा का, जहां रहने के लिए पंचसितारा आश्रम फ्री में हो, भोजन करने को फ्री हो, वहां पर सेवक सेवकाएं हो तुम्हारे, ये बजानगे, इसी के चलते तुम हजार वर्षों से गुलाम हुए हैं। तुम्हारी गुलामी, मेरी गुलामी, मैं जब मैं कह रहा हूं तो तुम्हारे यहां पर नहीं, मैं उसी का अंग रहा हूं, पीड़ा रही है बचपन से,
और अभी भी उसी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। सरकारें सारी योजनाएं घर बैठे तुम्हें मुफ्त में राशन दे दे, तुम्हें फ्री में बिजली दे दे, तुम्हें सब कुछ फ्री में दे दे, और तुम खुद ही बिक गए और तुम पशु हो गए हो। फ्री की इच्छा करते करते तुम पशु हो गए हो, पशु से भी तुम अधम हो गए हो। इस पर चिंतन करना। ये दिस इज अ कलेक्टिव क्वेश्चन। ये पूरे सनातन धर्म, ये जो विश्व गुरु था, ये भारत भूमि थी, इसकी विराटता, इसकी विराटता को कहां पर लाकर के हमने खड़ा कर दिया है। हमके लिए, हमारे लिए शर्म की बात है। फिर भी अंत में ये कह रहा हूं कि सबकी संभावना नहीं, लेकिन अगर प्रमाणिक रूप से आपके अंदर थोड़ी भी मोक्षा है, अगर जान लिया कि ये सारे संबंध है स्वर्ग है, ठीक है, ये व्यवहारिक रूप से कोई सब बद्रीनाथ चले जाए, पहाड़ों में चले जाए, ये आवश्यक नहीं, लेकिन तुम्हारी मुमुक्षा प्रमाणिक होनी चाहिए। इस वैराग्य हो गया हो, इस संसार से लग गया हो कि ये क्षुद्र है, ये ऐश्वर्य वैभव, तब तो तुम्हें क्षण भर में घट जाएगा। और तुम्हारी जो तैयारी होनी चाहिए कि इतना विराट जो ब्रह्म दर्शन जो होता है, जो अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो यही मुक्त हो जाओगे मृत्यु के पश्चात नहीं। ब्रह्म ज्ञान मृत्यु के पश्चात नहीं होता, मोक्ष भी मृत्यु के पश्चात नहीं, दिस मोमेंट। और भगवान कृष्ण ने भी कहा, चाहे क्षण भर पहले हो लेकिन मृत्यु के पहले होना चाहिए। तुम तो मान करके बैठे हो, अच्छा ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान या मोक्ष या मुक्ति तो ये मृत्यु शरीर है। अरे मूर्ख, तुमने एक शब्द तो पढ़ा नहीं, ककहरा तक जानते नहीं हो वेदांत दर्शन का, और प्रश्न कर रहे हो मुझसे। तीसरी फेल तुम्हारे कथावाचक और कथावाचिकाएं हैं। करोड़ों रुपया ले जाकर के बरसाओ, उनके जयगान करो, चार्टर्ड प्लेन से उन्हें घुमाओ, और तुम्हारा गर्त सुनिश्चित करने के लिए, नर्क सुनिश्चित करने के लिए तुमने आयोजन किया है, तो तुमको तो वही मिलेगा। लेकिन कहीं गलती से, सब तो ऐसे नहीं है, फिर भी अभी भी हैं, चाहे एकाध प्रतिशत हुए, तो तुम कहीं न कहीं ये आत्मचिंतन करने की क्षमता है, ये जानते हो कि उसकी विराटता को समझो कि तत्काल आत्म साक्षात्कार, जिसे परम पुरुषार्थ कहते हैं सनातन धर्म में, जिसके प्राप्त हो जाने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। जो कृष्ण कह रहे हैं भगवद्गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम, वह लाभ है, वह धन है, जिसे प्राप्त हो जाने के पश्चात सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। इस पर चिंतन करना कि वह कैसा विराट वैभव है, कैसा विराट धन है, तो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या खर्च करना है, तुम कितनी ऊर्जा लगाओगे, कितना धन लगाओगे, कितनी शक्ति लगाओगे, कितना त्याग करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मिल जाएगा। तो चलो, ये तुम्हारी मूर्खता का मेरे पास, न वेद के पास, न हजार बरसों से ऋषियों के पास भी कोई उपाय नहीं है। नहीं तो हजार बरस जो विश्व की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति थी, आर्थिक शक्ति थी, वह वर्ष कीड़े की तरह रेंगता क्यों रहता है यह देश। हजार वर्ष की गुलामी का गहन चिंतन तो करो। जो विश्व पर आधिपत्य था इस देश का, आर्थिक रूप से भी, वेदों की रचना उस काल में नहीं हुई है। स्वामी रामतीर्थ ने अमेरिका में ऐसे 120 साल पूर्व उद्घोष किया कि हम सबसे बड़ी सामरिक शक्ति थे, आर्थिक शक्ति थे, राजनीतिक शक्ति थे, हम भिखारी नहीं थे, वेदों के रचयिता भिखारी नहीं थे। और भिखारी भाव वाले के लिए न ब्रह्म विद्या है, न तत्क्षण और अपरोक्षानुभूति है। और भिखारी केवल आर्थिक रूप से ही नहीं होता है, विचार विचार और वैचारिक जो दारिद्र्य है ना, वो बहुत प्रगाढ़ता में तुम्हारे अंदर आ गया है। उस पर चिंतन करना अगर वास्तव में अपने कल्याण, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो। और जरा भी तुम्हारे अंदर प्रमाणिक रूप से मुमुक्षा प्रारंभ हो गई है तो बिल्कुल तत्क्षण तत्काल, लेकिन जो गुरु होगा, जो भी गुरु होगा तुम्हारा, जहां भी होगा, वो ब्रह्मवेता अगर होगा, ब्रह्मज्ञानी जिसे दिखा होगा, तो तत्क्षण दिखाएगा, लेकिन तत्क्षण नाटक करने के लिए नहीं दिखाएगा। जब तक तुम्हारी पूर्ण शरणागति न होगी और तुम्हारा पूर्ण वैराग्य नहीं होगा और सर्वस्व अर्पण न होगा, तब तक न दिखाएगा। ठगने तुम जा रहे हो, ठग न पाओगे, अपने को ही ठगोगे। तो प्रत्येक इस तरह के जब संशय कर रहे हो तो ठगने की कोशिश करते हो, क्योंकि सुबह से शाम तुम ठगहारी ही करते हो। जितनी दुकानें खोल रखी है, जो भी पेशा करे, वहां पर दो नंबर की कमाई हो जाए, मैं सबसे पहले कैसे धनवान बन जाऊं, कितनी मेरी बिल्डिंग बन जाए, तो उसी चेतना से भी तत्काल आत्मबोध करना चाहते हैं तो अनंत काल तक तुम्हें उस परमात्मा का बोध न होगा। और लेकिन तुमने जान लिया कि हमने आज तक मूर्खता का जीवन जिया और हमारा जो कुछ भी उपलब्धि, हमारी जो कुछ भी श्रेष्ठ उपलब्धियां रही, धन ऐश्वर्य रही, ये सबके सब जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा और शरीर को ही मैंने आत्मा मान रखा है, तो आत्मा तो मर जाएगी, शरीर रूपी आत्मा तो मर जाएगी, तो मेरी उपलब्धि कहां गई, करोड़पति भी रहा तो कहां गया। जिस दिन यह बोध हो जाएगा और निकल पड़ोगे उसकी खोज में, तो समय तो बाधा नहीं है, रिसोर्सेज भी बाधा नहीं है। तुम ठग रहे हो परमात्मा को, बाधा यह है तुम ठगना चाहते हो परमात्मा को ही, और तुम
तुम्हारी अपनी क्षुद्र बुद्धि तक नहीं है कि एक छोटी सी नौकरी तक मिल पाए या छोटी सी दुकान चला पाओ। तुम्हारे पास उतने साधन अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन तुम दूसरे को ज्ञान देने के तुम्हारे पास है गाली दे रहे हो, आत्मबोध की धंधे चला रहे हो, आत्म साक्षात्कार की दुकानदारी कर रहे हो, क्या लूट रहे हो। बहुत जुग कोई भी जो प्रमाणिक कोई आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान को उपलब्ध संत होगा, तुम उसे क्या दे पाओगे? तुम सारे सृष्टि का सर्वस्व ऐश्वर्य देकर भी उसे कुछ नहीं दे पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं। क्योंकि दुकानदारी के, व्यवसाय के, नश्वर शुद्ध संसारिकता के ग्रामर व्याकरण भी तुम उस पर लागू करते हो ब्रह्म ज्ञान पर, तो युग युग तक नरक भोगने के लिए तैयार रहो। लेकिन तुम्हारे अंदर वास्तव में अगर वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने, आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान आत्मा की अनश्वरता को अगर निकाल दो, तो सनातन धर्म नाम की कुछ भी कोई सत्ता बचती नहीं है। ये आत्मा है सनातन धर्म, जो अनादिकाल से इतने प्रहार झेल करके भी अभी उसी प्रकार से सृष्टि की, कोई रोमन एम्पायर हो, ग्रीक एम्पायर हो, पर्शियन एम्पायर हो, सब आए और गए, लेकिन अभी भी सनातन धर्म किसी न किसी रूप में उसकी मूल मान्यताएं बची हुई है। भले रौंदी गई हैं और वो रौद रहे हैं, उसके जानने वाले तथाकथित सनातन धर्मी हिंदू ही रौद रहे हैं, फिर भी बची हुई हैं। वो इसी कारण बची हुई है कि सनातन है, शाश्वत, जो शाश्वत सनातन सत्य पर जो आधारित है और सनातन सत्य की जो खोज कर रहा है, इसके कारण वह जो सनातन अभी भी बचा हुआ है। तो आपके अंदर भी यह प्रमाणिकता है, अगर वो मुख्या है तो आपका स्वागत है। लेकिन अहंकार पाल करके आपको लगेगा कि आप अहंकार से, तो संन्यास जिसके जिस जहां पर जाकर के जो देह करके हुआ हूं, तो आपको सात जन्म इस संसार में उस जगह पर भी जाने में भी बहुत समय लगेगा। मुझे दे पाने के आपको भ्रम होगा कि मुझे कुछ दे पाओगे और दे सकते हो। जीवन भर में मिलकर के जो कमाओगे ना, वो एक क्षण में भी उपलब्ध था, अभी भी उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए अपनी दरिद्रता को मुझ पर लादने की कोशिश मत करो, मेरा तो कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं ये बंद भी करने वाला हूं, एक आध बार और करूंगा शायद, क्योंकि जिस देश में ऐसे दरिद्र लोग, ऐसे क्षुद्र लोग हों, ऐसे पाखंडी लोग हों, वहां पर ब्रह्म। मैं तो अपने कुछ, कभी कभी लोग प्रश्न करते थे कि महाराज दर्शन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि चलो भाई इतने सालों से लोग कर रहे हैं, हम तो मिलते नहीं थे किसी से, इसलिए मैंने खोल दिया था कि चलो एक साथ मिल लेंगे सब लोगों को। मेरी कोई अभिरुचि नहीं है किसी से मिलने में, मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। जिन लोगों से मिल करके आया हूं, जो लोग मुझसे मिलने के लिए बेताब रहते थे, आज की तारीख में भी उसकी तुम कल्पना तक न कर पाओगे। उसके बाद ये प्रमाणिक रूप से एकांतवास को उपलब्ध हुआ हूं, इसलिए मुझे लेने देने का अगर भ्रम पालोगे तो अपना गला काट रहे हो। अपने कल्याण के लिए विनम्रतापूर्वक अगर तुम्हारे अंदर मुमुक्षा जगे, तब संपर्क करो और भाग लेने के लिए आ सकते हो। बाकी आप, मेरा जो अपने तरफ से जो कहना था वो बता दिया, आप रुकोगे नहीं। जो अब सबकी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जो सनातन धर्म के मूल्य मानदंडों में बंधों उन पर कोई नहीं, क्षुद्र कोई राजनीति, कोई एमएलए एमपी बन जाए करके, कोई कहीं किसी राजनेता का प्रभाव थोड़ा हो जाए धर्म का प्रयोग करके, तो वह धर्म तो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी वासना का तांडव हो करने के लिए तो साधन बन जाए, तो भगवान भी वही चाहिए। तो इसलिए अब अंत में यही कह रहा हूं कि जी बिल्कुल, चूंकि परमात्मा वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म नित्य तुम्हारी आत्मा के रूप में उपलब्ध है, तो इस तत्काल बोध ही उसका होता है। बस जिसने देखा हो, जिसने जाना हो, वो तो दिखा पाएगा। केवल शास्त्र का अध्ययन किया हो, कथा वाचन सुना हो, तो वो तो युग युग लगेंगे, आपको कभी नहीं देखेगा। और जब उस मुमुक्षु का, साधक का जो मन और अंतःकरण निर्मल होगा, तो तत्काल परमात्मा तो नित्य प्रकट ही हो रहा है, अभी ही दिख रहा है। मैंने दिखाया आपको कि प्रत्येक बोध में, बोधा के रूप में, प्रत्येक अनुभोक्ता के रूप में, प्रत्येक दृष्टा के रूप में, जो वहां पर सत्ता है अभी जो देख रही है, यहां पर देख रहे हो, ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है। उस साकार तादात्म्य शरीर से करके वह क्षुद्र हो गया है, मरण धर्मा हो गया है, लेकिन वह निराकार है। तुम्हारे अंदर जो नित्य अहम 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 मैं के रूप में जो व्यक्त होने वाली सत्ता है, वह अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और वह तुम हो। अपने आप को जानने में क्या समस्या है? ऐसा कब काल था, ऐसा कब समय था तुम अपने आप को नहीं जानते थे? बस थोड़ा सा परिमार्जन करना है, बस तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं शरीरधारी हूं, उसका परिमार्जन हो जाएगा कि नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म। मेरे अंदर जो प्रज्ञाता है, प्रकृष्ट ज्ञाता है, जो बोधा है, वह ब्रह्म है, और मैं तो नित्य उपलब्ध हूं। कितना क्षण लगेगा मुझे मैं को देखने, मुझे मैं को जानने, मुझे मैं का बोध होने में कितना समय लगेगा? सृष्टि का प्रत्येक बोध
मेरे बोध के पश्चात होता है। एक मिनट में चार प्रश्न तुम्हारे समक्ष रखता हूं, इस पर अनुसंधान करना, तत्काल वैसे भी ब्रह्मज्ञान हो जाएगा। प्रश्न ये करना कि तुम्हारे जीवन में और 24 घंटे के अंदर ये घटेगा, 24 घंटे के अपने जीवन का, और ये संपूर्ण मांडुक के कार्य का यही है, मांडुक उपनिषद यही है। तुम देखना कि सबसे पहले कौन देखता है और सबसे पहले कौन दिखता है, दूसरा, तीसरा, सबसे अंत में कौन देखता है और सबसे अंत में कौन दिखता है, इसका उत्तर खोजना, अभी बताने नहीं जा रहा हूं। अपने जीवन में भूल जाओ सब विश्वास, महाविज्ञान है वेदांत, महाविज्ञान है सुपर साइंस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। सबसे पहले तुम्हें कौन दे, तुम्हें तुम्हारे जीवन की जो अनुभूतियां हो रही हैं, सुबह से जगते हो शाम तक सोने तक, देखना कि सबसे पहले कौन देखता है और सबसे पहले कौन दिखता है, तीसरा, सबसे अंत में कौन देखता है, सबसे अंत में कौन दिखता है। हु इज द फर्स्ट सीयर एंड हु इज द फर्स्ट सीन एंड हु इज द लास्ट सीयर एंड हु इज द लास्ट सीन, इफ यू गेट होल्ड ऑफ द आंसर एंड दैट आंसर लाइज विद इन योर एक्सपीरियंस, देन यू आर सेल्फ रियलाइज्ड, ब्रह्मन रियलाइज्ड। लेकिन इसको जानने, अनुभूति होने में युग युग भी लग सकते हैं। अगर प्रमाणिक मोक्ष हो तो नहीं आ समझ में आएगा, लेकिन सरलतम मैंने खोल दिया आपके कल्याण के लिए कि खोजो अपने जीवन में, अपने अंदर सबसे पहले कौन देखने वाला है और क्या दिखता है, और सबसे अंत में क्या दिखता है और कौन देखता है। वही ब्रह्म है, वही तुम हो, वही देश काल वस्तु अपरिछिन्न परब्रह्म परमात्मा है, और वही तुम्हारा स्वरूप है। उसी का बोध कराना ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। उसका बोध होते ही तुम मुक्त हो जाते हो, सर्वधर्म सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो जाते हो, क्योंकि ये सब उसके इतर जितने भी धन वैभव ऐश्वर्य हैं सब के सब कल्पना मात्र है। तो चलो, मेरी शुभकामना है, इसके बावजूद मेरी पीड़ा मेरे लिए, मुझे गाली दे रहे हैं, अपमानित शब्द प्रयोग करते हैं, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जब उसकी गहराई में मैं जाता हूं कि उसमें से कई लोगों ने धर्म की दुकानें, ऐसे ऐसे जगहों से फोन आए जो इस देश के शंकराचार्य पीठ नाम रख रखा है, जगत गुरु बने हुए हैं, वेदों का एक श्लोक अध्ययन नहीं किया, वेदों के ठेकेदार बने हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार बने हैं, उपनिषद का एक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, और प्रश्न मुझसे पूछ रहा है कि तत्काल ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। अरे मूर्ख, अपने चपरासी, अपने बच्चे तुम बना नहीं पाए, तुम गारंटी नहीं दे पाते हो लाखों रुपए खर्च करके, और ब्रह्म ज्ञान की गारंटी मुझसे पूछ रहे हो तुम बिना एक पैसा एक घंटा ऊर्जा लगाए। अपने पतन के कारणों को ढूंढना अपने आप में, और आपको दिख जाए तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।